बजरंग से ये कहना चाहूँगा मैम, भाई कितनी दूर बाज ले, जब तक हमारे लड़के विशाल से कुश्ती नहीं करेगा इतने कोई वो क्या कर रहा उसका समाधान नहीं है। समाधान लड़के जा, समाधान में भी कोई दिक्कत और समाज में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपकी भी छवि रहोगी और हमारा विशाल की भी रहोगी। उसने टाइम दिया था, इतनी पंचायत पूरी हरियाणा खापे बटली हुई थी, लेकिन उसने कम से कम पंचायतों का पूरा हरियाणा की जितनी खापे थे उसकी भी उसकी मर्यादा नहीं रखी उसने। तो उसको पंचायत में जींद पंचायत हुई थी, वो खुद टाइम रखवाने वाला है, उस पंचायत में वो आता नहीं टाइम देके, उस पंचायत में उसका उसका कोई घर का सदस्य है या उसका खुद नामुंदा कोई आया नहीं पंचायत के अंदर। बजरंग पुनिया का जो बिना ट्रायल को लेकर जो सिलेक्शन होने का विवाद अभी तक बना हुआ है, तो ऐसे में हम सिसाए गाँव में मौजूद हैं। ये सरपंच प्रतिनिधि हैं प्रदीप कुमार, क्योंकि जो एक जो पंचायत हुई थी उसमें ये शामिल थे, तो ऐसे में हम इनसे बातचीत करते हैं कि जो पंचायत हुई थी क्यों हुई थी और उसमें क्या फैसला लिया गया था। प्रदीप जी ये बताएं कि जो पंचायत हुई थी उसमें क्या क्या मुद्दे रखे गए थे और क्या आगे निर्णय लिया गया था। देखो सबसे पहले बात तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद करता हूँ, जो विशाल कारण उनके लिए आपने इतना अच्छा समझा कि हमारे घर पर गाँव तक आए। और दूसरी बात, विशाल के लिए जो हमने पहले सबसे पहले बजरंग से मैं मिला था, पूरी पंचायत मिली थी, बजरंग ने ये किया था भाई आप खाप का टाइम रख लो, जो खाप फैसला करेगी जो पंचायत फैसला करेगी मैं उस फैसले के लिए तैयार हूँ। उसके बावजूद भी हमारा विशाल कार्यक्रम ने ट्रायल दी, उस ट्रायल में 5 कुश्ती विशाल जीता और उसके बगैर ट्रायल जीतने के बाद में भी विशाल वो बजरंग बगैर कुश्ती करे वो भेज दिया एशियाड गेम में, वर्ल्ड में। और हम बजरंग से ये कहना चाहूँ मैम, भाई कितनी दूर बाज ले, जब तक हमारे लड़के विशाल से कुश्ती नहीं करेगा इतने कोई वो क्या कर रहा उसका समाधान नहीं है। समाधान लड़के जा, समाधान में भी कोई दिक्कत नहीं और समाज में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपकी भी छवि रहोगी और हमारा विशाल की भी रहोगी। तो जो ये पंचायत में जो मुद्दे क्या क्या रखे गए थे और इसमें एक जो ऑफ़र भी दी गई थी, भी इतने पैसे की ऑफ़र दी गई थी, कुछ ऑफर तो जब पंचायत में जब वो 2 बार 3 बार उसने टाइम दिया, पहले पंचायत में तो आया था, दूसरी पंचायत में उसका ना कोई घर का सदस्य आया ना उसने कोई उसका कोई दोस्त बोल रहे थे, लेकिन उसका उसने टाइम दिया था, इतनी पंचायत पूरी हरियाणा खापे बटली हुई थी, लेकिन उसने कम से कम पंचायतों का पूरा हरियाणा की जितनी खापे थे उसकी भी उसकी मर्यादा नहीं रखी उसने। तो उसके बावजूद भी उसको कम से कम वहाँ आना तो चाहिए था ना, जवाब तो जो देना था ना देना था। उसके बाद उसको पंचायत में जींद पंचायत हुई थी, वो खुद टाइम रखवाने वाला है, उस पंचायत में वो आता नहीं टाइम देके। और हम ये कहते हैं हमने कोर्ट का दरवाज़ा कहीं से जाना पड़ो, हमारा सरकार से और बजरंग से हम अनुरोध करते हैं भाई हमारा जो ट्रायल में जो लड़का जीत रहे हैं हमारे लड़के को भेजा जाए। तो अगर जैसे अब ये फैसला लिया गया कि अगर सरकार द्वारा कोई मांगे नहीं मानी जाती तो आगे दिल्ली में किस तरह की मांग उठाई जाएगी गांव के सभी जो आपके जो लोगों द्वारा? हमारा कल पूरा गांव, सबसे बड़ा गांव है मेरा हरियाणा का और हमारा गांव की पूरी पंचायत हुई थी कल धर्मशाला के अंदर। हमारा जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमारा लड़का विशाल को आगे नहीं भेजा जाता, और हम कहीं इसके लिए हमने कितनी ही कोशिश क्यों करनी पड़ो, चाहे हम जंतर मंत्र बैठना पड़ो, चाहे हमने कोर्ट के दरवाजे खुड़काने पड़ो, तो हम पूरा गांव विशाल के लिए तन मन धन से पूरा परिवार के साथ खड़ा है। अगर विशाल की बात की जाए, अगर कुश्ती खेल में कितना अच्छा इसका रहा है अभी तक प्रदर्शन विशाल का? पिछले एशियड के जो गेम हुए थे उसमें भी हमारा लड़का 1 पॉइंट से आ रहा था बजरंग से, और हमने ये पूरा चैलेंज कर रखा है। कल विदेश से भी लोगों के फ़ोन आए हैं भाई 22 लाख रुपए हम इनाम दे देते हैं अगर वो नहीं जीतता है तो। और एक मेरे परिवार से ही सदस्य पहलवान जी है बहुत पुराने, उन्होंने 5 लाख रुपए इस पर स्पेशल अलग से इनाम दिया है, और गांव राम भी पूरी तरफ से अगर उसको चैलेंज करता है, अगर वो कुश्ती जीतता है तो उसका मान सम्मान भी करेंगे, उसको पगड़ी बांधेंगे, उसके शर्मा से इज्जत भी रहेगी और उसका भी पूरे समाज के अंदर नाम होगा। अगर वो कुश्ती के बगैर जा रहा है तो वो आपकी बदनामी कर रहा है और क्या कर रहा है। तो मांग को लेकर और कभी खेल मंत्री से भी मिलेंगे? खेल मंत्री से मैंने टाइम मांगा था, लेकिन हमारा खेल मंत्री से टाइम बिल्कुल मिला नहीं है। हमने 2-3 बार कोशिश की है, लेकिन 2 दिन में 4 जब में जब भी टाइम मिलेगा तो हम उसके बाद खेल मंत्री से मिलेंगे इसके बारे में। तो जो अभी फैसला लिया है इसमें टोटल कितनी खापे आई थी, कितने लोग आए थे इसमें? खाप तो कम से कम 45-50 खाप तो उधर जींद में भी थी,
और पहले इससे पंचायत पहले हुई थी उसमें भी कम से कम 65-70 पंचायतें हुई थी, खाप कट्ठी थी, लेकिन उसने ये जवाब दिया था भाई आज पूरे जो नवंदा मेरे जंतर मंत्र में मेरे साथ बैठे वो नहीं है, और अगली पंचायत में उनको बता लो उसके बाद में जो फैसला पंचायत करेगी वो फैसला मैंने मंजूर है, लेकिन उस पंचायत में उसका उसका कोई घर का सदस्य है या उसका खुद नवंदा कोई आया नहीं पंचायत के अंदर जी। ये थे सरपंच प्रतिनिधि का कहना था कि स्पष्ट तौर से जो मीटिंग हुई थी इसमें यही फैसला लिया गया था, अगर जो बजरंग पूनिया जो इसके साथ विशाल के साथ कुश्ती लड़ ले तो उसे लाखों रुपए के इनाम दिए जाएंगे, पहले कुश्ती लड़ ले, अगर वह जीतता है तो उसका सम्मान किया जाएगा, अगर 10 दिनों का समय है तो ऐसे में इन्होंने चैलेंज भी किया और साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा है कि अगर विशाल का उस वो नहीं होता तो उसके लिए हम दिल्ली में जाएंगे, धरने भी देंगे और अधिकारियों से मंत्रियों से जिससे मिलना पड़े उससे मिलेंगे उसकी मांग को लेकर, और सारा गांव आज विशाल के साथ है। प्रवीण कुमार, हिसार।